इजराइल का भीषण अटैक जारी है। इस्लामिक बैंक ऑफ गाजा पर अटैक किया गया है। रॉकेट हमले में बैंक की बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इसराइल के हमले में अब तक 4 बैंक तबाह हो गए हैं। देखिए किस तरह से बैंक पर भी हमला किया गया है। 4 बैंक अब तक तबाह हुए हैं, पूरी तरह से इमारत जमींदोज हो गई है, इमारत ध्वस्त हो चुकी है बैंक की। रूस यूक्रेन में चल रही जंग को 1.5 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, अभी भी विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच दूसरा मोर्चा मिडिल ईस्ट में खुल गया है। अगर जंग जरा भी लंबी खींची तो तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट से आप भी समझिए। जंग का विध्वंसक मोर्चा रूस यूक्रेन के बीच जंग से यूरोप में खुला हुआ है। लेकिन हमास के इसराइल पर हमले के बाद से युद्ध का दूसरा मोर्चा मिडल ईस्ट में खुल गया है। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं तक नहीं है, खतरा तीसरे विश्व युद्ध का मंडराने लगा है, क्योंकि हमास बयान दे चुका है कि इस हमले में ईरान ने उसकी मदद की। खास बात यह है कि ईरान ने रूस को हथियार देकर यूक्रेन से युद्ध लड़ने में मदद की। यानी ईरान अगर जंग में कूदता है तो रूस भी साथ आएगा, साथ में ईरान और रूस के सहयोगी देश हमास के साथ खड़े दिख सकते हैं। हमास के साथ ईरान, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इराक, लेबनान, कतर और लीबिया जैसे दूसरे इस्लामिक देश आएंगे, जबकि इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, इटली, फ्रांस, पोलैंड और दूसरे नाटो देश आएंगे। यानी दुनिया 2 खेमों में बढ़ सकती है, जो सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक होगी। ऐसे में दुनिया भर में इसराइल और हमास को लेकर अलग अलग समर्थन और विरोध के प्रदर्शन शुरू हो चुके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर। इसराइल और हमास के बीच भड़की चिंगारी दुनिया को झुलसाने वाली आग बनती जा रही है। संघर्ष की शुरुआती कुछ घंटों में ही इस लड़ाई ने दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया है। यानी जंग आगे बढ़ी तो ये खतरनाक टर्न ले सकती है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इसराइल पर हमास के हमले को 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों तरफ से इतना बारूद बरस चुका है कि यह वर्ल्ड वॉर के शुरू होने का इशारा दे रहा है। पहली नजर में देखने में यह सिर्फ इसराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग लगती है, लेकिन अब इस संघर्ष में कई और किरदारों की भी एंट्री हो गई है। इस लड़ाई में सुपर पावर अमेरिका इसराइल के साथ है, तो हमास खुलकर कह रहा है कि उसे ईरान का समर्थन है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या इसराइल और हमास की लड़ाई दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देगी। इस संघर्ष ने एक झटके में कई समीकरण बदल दिए हैं। इसने एक झटके में अरब वर्ल्ड को अमेरिकी कैंप से दूर कर दिया है। सऊदी अरब, जो इसराइल के करीब जाता दिख रहा था, अब हमास से हमदर्दी दिखा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर इसराइल और हमास का संघर्ष महायुद्ध में बदल गया तो क्या होगा। सऊदी अरब तो एक ट्रेलर है, अगर संघर्ष लंबा खिंचा तो हमास के साथ कतर, तुर्की, ईरान, जॉर्डन, सूडान, इजिप्ट, इराक, अल्जीरिया, यमन, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत और ट्यूनीशिया जैसे मुस्लिम देश खुलकर खड़े हो जाएंगे। चीन और रूस की भूमिका भी काफी अहम होगी। ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और ईरान लगातार रूस को हथियार मुहैया करा रहा है, सवाल पूछा जा सकता है कि क्या रूस इस संघर्ष में उस तरफ खड़ा हो जाएगा जिस तरफ ईरान है। दूसरी तरफ इजराइल है, जिसके साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नाटो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
दक्षिण कोरिया और जापान जैसे ताकतवर देश हैं। जंग के मुहाने पर खड़ी दुनिया में बारूद सुलग रहा है, जिसे महायुद्ध में तब्दील होना बाकी है। जैसे ही महायुद्ध का बिगुल बजेगा, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, हमास का इजराइल पर रॉकेट से हमला हुआ है। हमले में इजराइल का टैंक तबाह हो गया। हमास के हमले का वीडियो भी सामने आया है, ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जो हमले में इजराइल का टैंक तबाह हो गया। यह हमास का इजराइल पर रॉकेट से प्रहार है, जिसमें इजराइल का टैंक तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसराइल के पीएम से एक बार फिर से बातचीत की है। बड़ी खबर आपके सामने, 24 घंटे में ये दूसरी बार है जब बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। बाइडेन ने इसराइल को हर संभव मदद का भरोसा इस बातचीत के दौरान दिया है। नेतन्याहू जर्मनी, यूक्रेन, इटली और ब्रिटेन से भी बातचीत कर चुके हैं, तो जो बाइडेन से ये दूसरी बार उनकी बातचीत हुई है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आखिर कौन सी वजह रही जिसने इसराइल को इस जंग में बैकफुट पर ला दिया है, इस रिपोर्ट पे जानिए आखिर कहां चूक हुई जिसका फायदा उठाकर हमास ने इसराइल में इतनी बड़ी तबाही मचा दी। सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ी, हमास के हमले से इसराइल के सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ गई। इसराइल में कोहराम मच गया। डिफेंस सिस्टम फेल, जिस इसराइल के डिफेंस सिस्टम की दुनिया भर में तारीफ होती थी, वो हमास के रॉकेट अटैक में फेल हो गई। खुफिया तंत्र नाकाम। इतना ही नहीं, इसराइल का इंटेलिजेंस इनपुट भी नाकाम साबित हुआ, क्योंकि इसराइल को इतने बड़े हमले की धनक तक नहीं हो पाई। मोसाद की बड़ी चूक। इसके अलावा जिस मोसाद पर इसराइल को भरोसा था, उस मोसाद से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।